छपरा जिले के मांझी सीतलपुर गांव में रक्षाबंधन पर सांप को पकड़कर राखी बंधवाने के दौरान एक युवक को सांप ने काट लिया, जिस सांप को अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम के साथ सम्मान दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसे अपने घर में पनाह भी दी। लेकिन सांप की फितरत होती है डसने की, और एक बार फिर ये साबित हो गया कि सांप को चाहे कितना भी दूध क्यों ना पिलाया जाए, एक ना एक दिन वो दूध पिलाने वाले को भी जरूर डसता है। ऐसा ही कुछ 25 साल के मनमोहन और भूअर के साथ हुआ। रक्षाबंधन के दिन मनमोहन दो जहरीले नागों की पूछ पकड़कर अपनी बहनों से उन्हें राखी बंधवा रहा था। इसी दौरान सांप ने मनमोहन के पैर में अचानक डस लिया। खुद को ओझा बताने वाला मनमोहन पिछले 10 साल से झाड़फूंक भी करता था, लेकिन नाक के कांटे का इलाज वो नहीं कर सका। ना मां निकल जाए, हाथ मुंह में फेंक रहा, मुंह में मां निकल जाए। वीडियो रोक, ना मानी मुझे मानी। तेल लगावे के पड़ी तब पकड़ी। अरे रक्षाबंधन के दिन बहनों ने अपना फर्ज निभाते हुए तीन भाइयों के साथ दोनों सांप को भाई के रूप में रक्षा सूत्र बांधा। लेकिन वो भूल गए कि इन्हीं सांपों में से एक उनके रक्षक भाई का ही भक्षक बन जाएगा। दुख की बात यह है कि मनमोहन को जैसे ही सांप ने काटा, उसने झाड़फूंक से इलाज करने की कोशिश की। उसकी हालत बिगड़ती देख अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देरी हो जाने से वो काल के गाल में समा गया। वहीं मनमोहन की मौत की सूचना फैलते ही उसके घर पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मनमोहन की मौत की घटना के बाद गांव के लोगों में दुख की लहर दौड़ गई। वहीं गांव के कुछ लोगों को अभी भी ये यकीन है कि भूअर जिंदा हो सकता है। देखिए, भूअर को हम लगभग 8 सालों से जानते हैं। भूअर अगर कहीं भी इलाके में सांप किसी के यहाँ निकल जाता था तो बेझिझक लोग भूअर को याद करते थे। भूअर जाता था, बड़े ही आसानी से, बहुत ही सहूलियत से, बिना किसी उपकरण के भूअर सांप को अपने बस में कर लेता था, और पकड़ने के बाद उसे ले जा करके दूर जंगल में छोड़ देता था। आज की जो घटना है वो इस बात को चरितार्थ करती है कि आप सांप के बच्चे को जितना भी दूध पिलाइएगा वो आपका नहीं होगा, उसका फितरत है डसना। वही आज हुआ सीतलपुर में भूअर के साथ। भूअर अपने तीन छोटी बहनों के साथ राखी बांध रहा था, नाग जितने भी नागों को वो पकड़ा हुआ था उन सबको राखी बंधवा रहा था। उसी दरमियान उसका ध्यान कहीं भटक गया और एक दूसरे नाग ने पैर में उसे डस लिया। विज्ञान ने और डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया है कि वो भूअर मर चुका है। फिर भी यहाँ जितने भी आस्था रखने वाले हैं भगवान में और अपने साधना के बल पर लोग उसे बचाने का प्रयास उसके घर पर ही कर रहे हैं। हम सभी लोग, लाखों चाहने वाले लोग भूअर को ईश्वर से दुआ और प्रार्थना करते हैं कि भूअर को भगवान जल्दी से ठीक कर दें। मनीष कुमार पांडे, हो जाएगा। आसपास के गांव में लोग मनमोहन को सांपों का सच्चा मित्र मानते थे। किसी को अगर सांप काट लेता था तो उसे बड़े आदर से इलाज के लिए बुलाया जाता था। लोगों का दावा था कि उसके मंत्रों से वो शख्स ठीक भी हो जाता था। ये भी दावा किया जाता है कि मोबाइल पर बात करते हुए मनमोहन अपने मंत्रों के सहारे सांप का जहर उतार देता था। लेकिन जब खुद मनमोहन को सांप ने काटा तो उसकी जान झाड़फूंक से नहीं बचाई जा सकी। इसीलिए सांप के काटने के बाद फौरन ही सदर अस्पताल जाकर एंटीवेनम की खुराक लेनी चाहिए। अगर समय पर एंटीवेनम की खुराक मिल जाए तो आसानी से जिंदगी बचाई जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।